क्वेश्चन नंबर टू, यहाँ पे हमें दी है तीन लाइंस जिसमें से ए बी और सी डी पैरेलल है ये बोला गया है, और सी डी और ई एफ है ये दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलल है ये बोला गया है, और हमें दिखाया है तीन एंगल्स एक्स वाई और जेड, और हमें ये जो रेशियो है वाई एस टू जेड इज इक्वल टू 3:7 ये दिया हुआ है, और हमें पता करना है कि एक्स कितना है ये वाला एंगल। ठीक है, तो अब हमने सबसे पहले क्या किया है, ये जो ट्रांसवर्सल है उसको हमने नाम दिया है पीटी, और ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट्स है इनको नाम दिए क्यू आर और एस। ठीक है, फिर सबसे पहले तो सी डी और ई एफ ये एक दूसरे के साथ पैरेलल है। ठीक है, तो ये जो एंगल है सी आर क्यू ये वाला और ई एस आर ये वाला एंगल एक दूसरे के साथ इक्वल होंगे, क्योंकि ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है, मतलब ये जो वाई है ये एंगल है ये भी वाई ही है, तो हमने ये वाला वाई है इसलिए यहाँ पे वाई लिख दिया है। ठीक है, तो अभी ये जो वाई और जेड है ये दोनों एंगल्स हो गए लीनियर पेयर, इसलिए इन दोनों की टोटल होती है 180 डिग्रीज। ठीक है, तो अभी हम लोग देखते हैं कि कैसे लिखा है हमने, सी डी इज पैरेलल टू ई एफ, देयरफॉर एंगल ई एस आर इज इक्वल टू एंगल सी आर क्यू इज इक्वल टू वाई कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड एंगल ई एस आर प्लस एंगल आर एस एफ इज इक्वल टू 180 डिग्रीज लीनियर पेयर, देयरफॉर वाई इज इक्वल टू जेड, वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। ये हुआ हमारा इक्वेशन वन, लेकिन हमें क्या दिया है, y y और z का रेशियो दिया है, तो y as to z is equal to 3:7, so इसका मतलब है इन दोनों के बीच में कुछ तो कॉमन फैक्टर होना चाहिए जो कि कैंसिल आउट हो गया है, तो वो कॉमन फैक्टर हमने पकड़ा है k, तो क्या कहा है, लेट द कॉमन फैक्टर बी k, देयरफॉर y इज इक्वल टू 3k एंड z इज इक्वल टू 7k। फिर ये जो है हमने सब्स्टिट्यूट किया है वैल्यूज y और z के इस इक्वेशन में, इक्वेशन वन में, सो सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन वन वी हैव 3k प्लस 7k इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, देयरफॉर 10k इज इक्वल टू 180 डिग्रीज एंड k बिकम्स इक्वल टू 180 अपॉन 10 मतलब 18 डिग्रीज। देयरफॉर अभी y अपना क्या हुआ, 3 इंटू 18 हो गया 3k, मतलब 3 इंटू 18 इज इक्वल टू 54 डिग्रीज एंड z इज इक्वल टू 7k, सो 7 इंटू 18 इज इक्वल टू 126 डिग्रीज। ठीक है, तो ये तो हमें y और z के वैल्यूज मिल गए, अभी देखते हैं कि x कैसे निकालेंगे। तो अगर आप लोग ऑब्जर्व करते हैं कि ये जो लाइन ए बी है और सी डी है पैरेलल है, और लाइन ई एफ है ये भी इसी लाइन सी डी के साथ पैरेलल है, इसका मतलब क्या है, ए बी और ई एफ भी एक दूसरे के साथ पैरेलल होने चाहिए, क्यों, जो लाइंस पैरेलल टू अ कॉमन लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर, देयरफॉर एंगल ए क्यू आर इज इक्वल टू एंगल क्यू एस एफ ये वाला एंगल एट कौन सा, एक्स और जेड ये वाला एंगल, ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है इसीलिए ये दोनों इक्वल है, तो एक्स इज देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू जेड, देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू 126 डिग्रीज, दस एक्स इज इक्वल टू 126 डिग्रीज, y इज इक्वल टू 54 डिग्रीज एंड z इज इक्वल टू 126 डिग्रीज।